नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉम्प्राइज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब ये मॉडर्न मेथड जो फार्मिंग का है वो कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं मॉडर्न फार्मिंग में, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज यूज़ करते हैं इसमें, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, एज वेल एज बेटर मीन्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना हो सके, प्लेंटी ऑफ वाटर, हार्वेस्टिंग मशीन और जो भी मशीन यूज़ करते हैं इसमें, हम ये सब हमारी टेक्नोलॉजी में आती है। और सब क्या है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हम यूज़ करते हैं इसी टेक्नोलॉजी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हाई इज लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑकरिंग एज एन इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। एज यू नो ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस क्रॉप यूटिलाइज द सॉइल न्यूट्रिएंट्स फुली लिविंग नॉन फॉर द नेक्स्ट क्रॉप एंड आल्सो द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर एज इज अ लॉस ऑफ फर्टिलिटी। सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम इसमें बार बार यूज़ करेंगे पेस्टिसाइड्स का तो उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, डाउन होगी, तो इसीलिए हम उसको बार बार यूज़ करना पड़ता है मॉडर्न फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल इन पालमपुर। जो पालमपुर के लोग थे वो उधार पैसा किससे लेते थे, मनी लेंड किन से करते थे, तो वो मनी लेंड करते थे मनी लेंडर से, जो वहाँ के मनी लेंडर्स थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज मोस्ट एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो मोस्ट एब्जॉर्बिंग सेक्टर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फार्मिंग। अर्लियर वी डिस्कस अबाउट दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मगर फार्मिंग जो होता है, एग्रीकल्चर जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। होप यू गाइज यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।